नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल एलिटिकल गाइड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कॉलोनी के बाहर जो आउटसाइड ग्राउंड होते हैं वहाँ की जो लाइट है उसको किस प्रकार से ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है उस पैनल के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये एक लाइटिंग टाइमर पैनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें टर्मिनल दिया हुआ है इनकमर के लिए, मेन सप्लाई के लिए यहाँ पर टर्मिनल दिया हुआ है जो कि 150 एम्पीयर का टर्मिनल्स होता है, मतलब 150 एम्पीयर इसमें करंट ले सकते हैं। और उसके बाद में एक MCB दिए हैं इनकमर के रूप में, ठीक है, जो कि 63 एम्पीयर का एलेंटिक MCB है। और ये जो है आपका कॉन्टेक्टर में सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्टर के आउट से निकाल के 2 4 वोल्ट MCB जो कि 32 एम्पीयर का हमने लिया है वो उसमें हमने दे दिया है। देखिए यहाँ पर हमने 2 4 वोल्ट लिया है और 2 केबल लेके कॉन्टेक्टर से 2 केबल लेके एक एक में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो सभी मैंने R/B न्यूट्रल और वैसे ही R/B न्यूट्रल हमने डिवाइड कर दिया है। और ये हमारा TVA टर्मिनल है, यहाँ से हम लाइट लोड के लिए सप्लाई ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पावर वायरिंग हुआ, इसका कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से होता है ये भी बता देता हूँ। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने एक कंट्रोल MCB लेते हैं जिसका सप्लाई हमने देखिए यहाँ पे एक कंट्रोल केबल दिया हुआ है, ये सप्लाई कंट्रोल MCB में चला जाता है, ठीक है। कंट्रोल MCB से आपका जो सप्लाई है वो सेलेक्टर स्विच में चला जाता है, यहाँ पर वो दिया नहीं है। और सेलेक्टर स्विच से निकल कर आपका ऑटो वाला जो सप्लाई रहता है वो टाइमर के कॉइल में चला जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देते हैं, टाइमर में NONC रहता है और उस NONC का उपयोग हम कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप मैनुअल में चलाना चाहो तो इसके लिए हम पुश बटन दिए रहते हैं। तो वो डोर में किस प्रकार की वो अरेंजमेंट रहता है वो मैं आपको डोर दिखा दूंगा, उसे आपको समझ में आ जाएगा। डोर में आपका ऑन ऑफ इंडिकेशन रहता है, इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन रहता है और आपका एक सेलेक्टर स्विच रहता है जो कि ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लिखा रहता है या लोकल या रिमोट लिखा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लाइटिंग टाइमर पैनल को वायरिंग किया जाता है। ये जो केबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये केबल जो है आपका डोर में जो पुश बटन लगे रहेंगे उस पुश बटन के लिए वायर्स दिए हुए हैं। हालांकि इससे भी पहले मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जो वीडियो था आपका जो बड़े बड़े सड़कों में जो फ्लैश लाइट लगे रहते हैं उसके लिए था जिसमें ड्यूल स्टार्ट के अलावा आपका रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर भी लगा रहता है। और ये है कॉलोनी का लाइट है जो कि आप टाइम सेट करके ऑटोमेटिक उसको चालू बंद कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल एलिटिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।